सो गाइस, हम लोग फिर से एक हॉरर स्टोरी के साथ आ गए, एक नहीं तीन हॉरर स्टोरी के साथ जो रियल बोलने वाले। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं हर्ष के साथ। तो भाई बता। तो ये स्टोरी मेरे दोस्त के नानी की है, जब उनके शादी कुछ टाइम बात की है, क्योंकि मेरे दोस्त की नानी को क्या है, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ही भक्ति भाव में ज्यादा रहती थी। तो ऐसे वो सुबह उठी, ये उस टाइम ठंडी का ही टाइम चल रहा था, ज्यादा ठंडी की शुरुआत ही थी। अच्छा, पर गांव में तो पता है शुरुआत में ठंडी कितनी बढ़ने लगती है। तो सब कोहरा कोहरा था, तो उसकी नानी जल्दी उठ गई। उसकी नानी को उठना था 6 बजे, उठ गई वो 3 बजे। तो पहले के टाइम पे पता नहीं चलता था कि उसकी नानी ने घड़ी वड़ी भी नहीं देखी। तो डायरेक्ट आके सोची कि पहले धान वान काटे तो खेत में जाके फिर जाके पूजा मंदिर में चले जाऊंगी। तो वो एक लोटे में जलवल जाके शिवलिंग को जल चढ़ाते ना, तो जलवल सब लेके गई थी वो। तो सब साइड में करके वो थोड़ा धान वन काटने लगे, तो वहाँ पे एक बच्चा भी वो धान वन काट रहा था, उनकी मदद कर रहा था। पर वो बच्चे को जो जो बोले बच्चा वो करता था, वो उसके उनको ला के दे रहा था। तो फिर जब उनका सब पूरा हुआ वर्क, तो फिर सोचिए कि बच्चा भी थक गया होगा और मैं भी थक गई हूँ, तो इसको पानी पिला देती हूँ। जो जल था तो उसने सोचा कि इसे पानी पिला देती हूँ, वापिस घर जाके भर लूँगी। तो जैसे वो पानी पिलाने गई ना, तो हाथ से लोटा छूट गया, तो नीचे गिर गया लोटा। तो जो जैसे उठाने के लिए गई ना मेरे फ्रेंड की नानी, तो देखा ना बच्चे के पैर उल्टे। फिर उनको पता चल गया कि क्या है, तो वो चली, वो चुप कुछ नहीं हुआ, लोटा उठा के चुपचाप घर की तरफ बढ़ने लगी। तो पीछे से लड़का उसको आवाज़ मार रहा था, ओए इधर आ, ओए इधर आ। तो भी सुनी नहीं, फिर वो घर चली गई। तो घर जाके देखा 2 बजे रहा रात के। अच्छा, उनको लगा 5 बजे रहे और रात को 2 बजे से फिर आज तक फिर वो कभी हुआ इतने टाइम पे जल्दी कभी उठे ही नहीं। हाँ। चलो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते। तो आप स्टोरी मेरी बारी है, तो मैं बताता हूँ। तो ये कहानी मेरे दोस्त थे उसके चाचा के साथ हुई है, जो उसके चाचा ने मुझे बताया, बोल रहे थे रिकली। तो उसके चाचा क्या अभी अभी मतलब कितने 6-7 साल पहले की बात है, उन्होंने रिक्शा चलाना स्टार्ट करा था। तो वो क्या था, मॉर्निंग में उनकी किराने की स्टोर थी, मतलब शॉप की होती ना, दाल चावल वो सब बेचते हैं, वो सब होता था। तो वो सब किराने की स्टोर थी, तो वो नाइट में रिक्शा चलाते थे और मॉर्निंग में, मॉर्निंग से नाइट 8-9 बजे तक वो शॉप पे रहते थे अपनी। तो रात हुई, तो एक दिन की ऐसे बात थी, मतलब बारिश वारिश का माहौल था, तो रिक्शा चलाने निकले। तो उनको एक लाइक कब्रिस्तान होता है ना, उसके आसपास एक लड़की मिली कि आई थिंक वहाँ से जा रही होगी, तो लिफ्ट के लिए। तो लड़की बैठ गई रिक्शे के अंदर, ऑटो के अंदर। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकले, तो उसने बोला मुझे यहाँ छोड़ दो। तो एक जगह का नाम लिया उसने, तो वहाँ पे रिक्शा वाला चला गया। तो लड़की एकदम चुपचाप बैठी, कोई रिएक्शन नहीं, चुपचाप बैठी एकदम नॉर्मल जैसे बैठते, बट कुछ बोल नहीं रही है बस। तो रिक्शा वाला कुछ पूछे तो भी जवाब ना दे, खाली अपना एड्रेस उसने बताया, हो गई बात। तो वो लोग लोकेशन की तरफ चल गए। फिर जब पहुंच गए लोकेशन पे, तो रिक्शा एकदम से बंद हो गई, मतलब थोड़ी दूर पे जब पहुंचने वाले थे उसके थोड़ी दूर पे रिक्शा बंद हो गई। तो मतलब उन्होंने वापस से सेल वेल दिया, नहीं हुए तो साइड होता ना हैंडल से, मतलब पुरानी रिक्शा कैसी होती थी, हैंडल खींचते थे तब स्टार्ट होती। तो वो उस साइड ऐसा हैंडल खींचने के लिए 2-3 बार करा, तो ज़्यादा नीचे झुके तो उनके फ़ोन से, उनका फ़ोन गिर गया जेब में से, पॉकेट में से ऊपर वाली। तो जैसे वो फ़ोन उठाने गए, तो उन्होंने रिक्शे में देखा, तो वो लड़की के पैर उल्टे थे, उसके लड़की के पैर उल्टे थे। तो भाई बारिश का माहौल, रात के कितने 12-1 बज रहे होंगे, कोई भी डर जावे। तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने, और वो रिक्शा वापस बैठ गए। डर तो लग रहा, पसीना वसीना हो रहा है, और वो लड़की पूछती है कि क्या हुआ, तो उसने लगा कुछ नहीं बारिश से, तो थोड़ा भाई भीग गया मैं, ऐसा वैसा बोल के अवॉइड करा उसने। और लोकेशन पे पहुंचा, लड़की उतरी, पैसे लिए बिना वो रिक्शा भगाया भाई, और उसको बुखार उखार भी चढ़ गया। और उसके बाद उसने सोचा कि अब तो साला रात को चलाऊंगा ही नहीं, फिर भी वो पेट भरना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो फिर 6-7 दिन हुए, 8-9-10, 1-2-3-4 हफ्ते बाद वो वापस से गया। तो उस दिन उसी रूट से वो जा रहा था, तो उसने देखा था कि लड़की किस घर में गई है, मतलब रोड पर छोड़ा था, घर पास में ही था, तो उसने देख लिया था कि लड़की कौन से घर में गई। तो वो सोचा मैं देख के आता हूँ कि क्या है। तो उसने एक दिन, रात का ही टाइम था, बारिश हो ही रही थी, बिजली गड़क रही थी, तो उसने रिक्शा रोकी और चला गया। उसने देखा कि पूछता हूँ, देखता हूँ क्या होता है अंदर जाके। तो उसने खटखटाया, तो अंदर से एक आदमी बाहर आया और 2-3 बच्चे बाहर आए एकदम, दरवाज़ा खोला। तो उसने बोला आपको किससे काम है, बोला कि यहाँ पर मैंने एक औरत को छोड़ा था, एक लेडी को छोड़ा था, तो उनसे काम था। तो उन्होंने बोला कौन सी लेडी, तो उन्होंने बोला अरे वो एक पतली लेडीज़ थी, शादीशुदा थी उनके लिए। तो जब उन्होंने बोला कौन सी लेडीज़, वो वाली, तो उन्होंने दीवार पे दिखाया ना, तो वो लड़की मरी, उसकी फ़ोटो थी। तो वो बोलता है कि कौन सी लड़की, तो बोलता है इसकी मौत तो 10 साल पहले हो चुकी है, सोच। और बोलता है भाई मैंने कल ही छोड़ा। उसके बाद तो भाई उन्होंने रात को रिक्शा चलाना ही बंद कर दिया, और उनकी तबीयत भी कुछ दिन ख़राब थी। उन्होंने जब मुझे सामने बताया था, मेरे गूज बम्स आ गए थे। मैंने बोला भाई अभी तो कुछ भी हो सकता है, मतलब अब उनको पता है, उसके बाद से लिटरली वो रात को रिक्शा नहीं चलाते, दिन में चलाते हैं, क्योंकि रात को चलाएंगे तो उनको कोई चला देगा, इसलिए बंद हो गया। तो ये थी कहानी।